सर्दी और घने कोहरे का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने मित्तल अस्पताल के नजदीक हरिभाव उपाध्याय नगर चौराहे पर खड़े आधा दर्जन ठेलों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और ठेलों में रखी नकदी वे कई जरूरी सामान चोरी कर लिया। इस मामले के बाद पीड़ित परिवार खासी परेशान है। पीड़ित ठेला मालिकों का कहना है कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई है और इसकी शिकायत थाने में कराने का प्रयास किया गया, लेकिन क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। अब एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है, जिसे लेकर भी शिकायत दी गई है। गौरतलब है कि अजमेर में तेज सर्दी और कोहरा जमा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर चोर अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक वाक्य क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र की हरिभाव उपाध्याय नगर में देखने को मिला, जहाँ आधा दर्जन से अधिक ठेले और थड़ियों पर चोरी की वारदात की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। और क्या हुआ? ये सिलीवर्ड पे है, मेरी चाय की शॉप पे। मेरे ताले तोड़े थे, मैं बच गया था मेरा सामान। बाकी आसपास में जितने भी ताले, पांच सात जनों के ताले टूटे, उनके सारा सामान ले गए। पुलिस की गश्त नहीं रहती है? नहीं, आसपास में भी चोरी हुई है? हाँ, सब तक लाइन से पूरे के हुए हैं। आपका प्रयास ही हुआ से? हाँ। कहाँ पर है दुकान? सिलीवर्ड पे। आपकी चाय की शॉप है। आपका नाम बताए? शंकर सिंह। पुलिस को दे दी शिकायत? नहीं, अभी दी नहीं हमने। ये भैया है अपने सिनेवर्ल्ड के ठीक सामने। हमारे यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, आए दिन कोई ना कोई चोट होती रहती है। और इसके लिए अगर हम प्रशासन के पास भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और हमारे यहाँ पे आए दिन कोई किसी प्रकार से ठेले चोरी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। अभी हमारे को, अब हमारा तो परिवार भी इसी से चलता है सारा। आज क्या, कल क्या हुआ है जो? कल रात को भैया ये देखो, ठेले की चोरी हो गई, यहाँ पे सारा सामान ले गया, सोलर पैनल सिस्टम ले गया, अंदर से सिलेंडर गायब हो गया। अभी पांच छह ठेलों के ताले टूट गए सबके। अच्छा। एक साथ काफी सारा नुकसान हुआ है। अब कितने का नुकसान हुआ है? मेरे सर हुआ है कम से कम 3-4 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है। और वो सोलर पैनल सिस्टम ले गए, जो तो अलग ही ले गए, क्या करें अब इसका, क्या कर सकते? इसके लिए शिकायत के लिए एक दो बार होके आए थे, चौकी थाने भी गए थे, तो वो बोलते तुम्हारे बाप की जमीन थोड़ी ना, तुम यहाँ से उठा के ले जाओ थैला घर पे। अच्छा। फिर अब हम कहाँ जाएं, किसको बोले? अब हम भी औरों की जैसे चोरी चकारियाँ तो कर नहीं सकते, हमारे पीछे परिवार है, बच्चे छोटे। किस चीज का थैला है आपका? मेरा सर अंडे का है, अंडे बेचते हैं। और भी थैले पास में? और भी है, कम से कम 50-60 थैले हैं। 5-6 थैलों में चोरी हुई है एक साथ रात को। पहले भी हुआ था? हाँ, करीब करीब सबका माल चला गया। इससे पहले भी, हफ्ते भर पहले भी हुआ था, यानी एक महीने में 2-3 बार तो होता ही होता है। किसी को कहते कोई नहीं है, गश्त आती है 7:30 बजे आती है, 7:30 के बाद में कोई ध्यान ही नहीं है, बस वो आते केवल हम लोगों को भगाने के लिए, बोले फटाफट निकल जाओ नहीं तो टैटू बनाएंगे। शिकायत दे दी? शिकायत किसको देवे साहब, कोई सुनता ही नहीं है काय की शिकायत है। वो तो कहते तुम तो इसको कमाओ, जब तक कमाओ थैला लेके घर जाओ। ठीक है, आपका नाम बताएं? अशोक शर्मा सर। साई की दुकान सिनेवल के सामने है साहब मेरी, और रात को हम ताला लगा के गए थे, ताला सुबह टूटा हुआ मिला, गुटके बीड़ी सिगरेट वगैरह पैसे थे गल्ले के अंदर, वो निकल गए, और सिगरेट विगरेट कुछ भी नहीं छोड़ा। लगभग कितने का माल चोरी हुआ है? मेरा 2,500-3,000 रुपए का। पहले भी हुई है कभी चोरी? पहले मेरे लॉकडाउन में 2 थैले गायब हुए, उस टाइम में रिपोर्ट लिखाई तो वो बोले हमारी कोई गारंटी नहीं है। कभी शिकायत, पुलिस कार्रवाई नहीं कर? पुलिस कार्रवाई लॉकडाउन में मेरे थैले गायब हुए जब की थी मैंने। कहाँ पर है ये आपकी जगह? ये सिनेवर्ल्ड के सामने। अभी दे दी पुलिस को? अभी नहीं दी। ठीक है, आपका नाम बताए? माया नाम है।